हाय दोस्तों, हाय गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है HP मशीनरी जयपुर ऑल इंडिया। हमारे यूट्यूब चैनल में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, आप घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं एवं होम डिलीवरी ले सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिया हो उस पर आप फ़ोन मार के घर बैठे अपना ऑर्डर बुक कराइए एवं होम डिलीवरी तुरंत ले सकते हैं। बहुत ही सुपर फास्ट डिलीवरी है। ये देख रहे हैं, देखिए, ये कमांडर जीप गियर वाले मॉडल हैं। इसको महिंद्रा कमांडर जीप का गियर मॉडल बोलते हैं। एक से एक बढ़ के मॉडल हैं। ये देखिए, आपको दिखाते हैं, ये सेल्फ स्टार्ट मॉडल है, देखिएगा। ये देखिए सेल्फ स्टार्ट मॉडल है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सेल्फ स्टार्ट मॉडल है। बड़ी बैटरी है, देखिए, एमरोन कंपनी की बैटरी है। ये सेल्फ होता है इसका। ये टायर होते हैं, ये पुराने टायर में सेल्फ स्टार्ट मॉडल है। इसके बाद में आपको देखिए दूसरा मॉडल दिखाते हैं, ये पीछे का मॉडल है। ये नए टायर में सेल्फ स्टार्ट मॉडल है, देखिएगा। ये भी सेल्फ स्टार्ट मॉडल है। ये इसका बैटरी है और ये इसका, देखिए, नए टायरों में, ये पुराने टायर में है सेल्फ स्टार्ट मॉडल और ये नए टायर में सेल्फ स्टार्ट मॉडल है। बहुत ही हेवी वाला मॉडल है, देखिएगा। इसके बाद में दिखाते हैं, ये देखो, इसका ये फ्लेक्सिबल बहुत ही अच्छा सीट होता है। ये स्टेयरिंग होता है, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट चाबी लगती है, यहाँ लाइट के लिए लगती है। ये इसका एक्सीलेटर है, ये इसका ब्रेक सिस्टम है, ये ब्रेक है, ये इसका क्लच पैडल है, ये गियर लीवर है, ये महिंद्रा कमांडर जीप का गियर है। यहाँ सामान रखने के लिए देखिए स्पेस दिया हुआ है। इसके बाद में देखो, इसमें स्टील मशीन भी है। इसमें अलग अलग लोखंड की मशीन है, स्टील मशीन नहीं, ये स्टील रोलर में मशीन है। ये देखिए, देख रहे हैं, वो स्टील मशीन में है। ये इसका लाइटिंग चार्जिंग का है, अल्टरनेटर है। दोस्तों, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए, ये रोलर है, इसके होल दिख रहे हैं, देखो वो होल दिख रहे हैं। ये ऊपर में, इसमें, इसमें और यहाँ पर, ये हमेशा इसमें ऑयल दिया जाता है, रोज़ ऑयल दिया जाता है। अगर ये जो बुशिंग होता है, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे चारों होल में ऑयल दिया जाता है रोज़। अगर इसमें ऑयल नहीं दोगे तो ये बूश है, ये घिस जाएंगे। इसके बाद में देखो, ये बैरिंग है, ये बैरिंग है, ये गिरारी है, ये गिरारी है, इसमें ग्रिस दिया जाता है। इसके बाद में दिखाता हूँ, देखो, ये इसकी हेडलाइटें होती हैं, ये एक इंडिकेटर होते हैं। इसके बाद में कहाँ ग्रिस दिया जाता है, ये देखिएगा, इसके अंदर ग्रिस दिया जाता है, इसका, इसमें एक ग्रिस दिया जाता है। अगर इसमें ग्रिस नहीं दोगे तो ये कट जाएंगे। ये देखो, ग्रिस देने की ये पिनें होती हैं, इसमें ग्रिस दिया जाता है। इसके बाद में देखो, ये मॉडल है, ये हैंडल स्टार्ट मॉडल है महिंद्रा कमांडर जीप में। ये देखिए, एक से बढ़ के एक मॉडल हमारे पास, बहुत सी वेराइटियाँ उपलब्ध हैं। देखो, इसके बाद ये हैं, ये मॉडल है, ये हैंडल स्टार्ट मॉडल बोलते हैं इसको। इसके बाद में देखो, ये मॉडल है, हैंडल स्टार्ट मॉडल है, ये एक से एक बढ़ के वेराइटी में उपलब्ध है। आप इसके बाद में ये देखो, पट्टे वाला आगे पीछे, फ्रंट एंड रिवर्स, आगे और पीछे दोनों तरफ चलने वाला मॉडल है ये। ये देखो, यहाँ पर ड्राइवर बैठता है। ये इसका स्टेयरिंग है, ये इसका ब्रेक पैडल है, ये इसका आगे चलने का लीवर है, ये इसका बैक चलने का लीवर है। देखिए, ये इसका ऑटो रिक्शा वाले टायर होते हैं, 408 नंबर टायर हैं। ये इसका देखिए, बेल्टें, पुलियाँ होती हैं, बैक सिस्टम होता है। यहाँ पे आप आइस बॉक्स सामान रख सकते हैं, वो देखिए जूस निकालने की मशीन है। ये हमारा एड्रेस है, देखिएगा,
इस एड्रेस पे आप आकर विजिट भी कर सकते हैं एवं ऑनलाइन भी बुकिंग करवा सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है। इसके बाद देखिए ये मॉडल है, ये भी आगे पीछे वाला मॉडल है। ये जो मॉडल देख रहे हैं ये गिरारी सिस्टम में है, देखो इसमें गिरारी भी लगा है, ये गिरारी सिस्टम मॉडल है, इसको गिरारी वाला मशीन बोलते हैं। इसके बाद में देखो ये गियर वाली मशीनें हैं, देखिए ये आगे के मॉडल हैं। ये देखिए ये भी जो देख रहे हैं सेल्फ स्टार्ट मॉडल है, इसका बैक से दिखाता हूँ आपको। ये भी सेल्फ स्टार्ट मॉडल है, इसको भी सेल्फ स्टार्ट मॉडल बोलते हैं। ये देखिए ये भी सारे सेल्फ स्टार्ट मॉडल बहुत सी वैरायटी में हैं। इसके बाद देखो उधर भी खड़ी हैं, चारों तरफ खड़ी हैं अपनी, बहुत स्टॉक अपने पास, एनी टाइम सारे मॉडल उपलब्ध रहेंगे। आप अपना घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। हमारा ऑनलाइन मोबाइल बुकिंग नंबर है 8780545911। नंबर पे संपर्क करके आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। 87 80 54 59 नंबर पर संपर्क करके अपना ऑर्डर बुकिंग करवा सकते हैं, होम डिलीवरी ले सकते हैं, या स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया हो उस पर भी आप अपना ऑर्डर बुकिंग करवा सकते हैं और होम डिलीवरी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। ये देखो एक से बढ़ के एक मॉडल है, बहुत ही सुप्रीम लग्जरी मॉडल है। दोस्तों आपको फिर से एक बार बता दूं कहां कहां ग्रीस देना है, कहां कहां ऑयल देना है, ये चीज़ें पहले बता देता हूं। अगर ये नहीं दोगे तो आप कट देंगे। देखिए ये है, ये बस का होल होता है, देखिएगा यहाँ पर ये दोनों रोलर होते हैं, ये होल होता है, एक होल यहाँ होता है, एक होल यहाँ होता है, एक होल इसमें होता है, चारों में रोज़ ऑयल देना है। मोबिल अगर एक दिन नहीं दोगे तो ये घिस जाएंगे। इसके बाद में यहाँ ग्रीसिंग, इसके अंदर ग्रीसिंग, ये गिरारी में ग्रीसिंग और इस गिरारी में ग्रीसिंग देना होता है। इसके बाद में देखो ये बैरिंग है, ये साफ्टिंग बैरिंग है, इसमें देखो ये होल दिख रहा है, इसमें ग्रीसिंग। इसके बाद में देखो ये हाउसिंग दिख रहा है, वो इसमें ग्रीसिंग देना होता है, ये होल दिख रहा है, इसमें ग्रीस रोज़ देना होता है। अगर इसमें ग्रीस नहीं दोगे, महीने में एक बार ग्रीस देना होता है, इसमें नहीं दोगे तो कट जाएंगे। इसके बाद में ये कबाड़ियाँ होती हैं, देखो ये पिन होती है कबाड़ी की, इसमें है आगे कबाड़ी की पिन है, ये नीचे साफ्टिंग का जो क्रॉस है देखिए वो क्रॉस दिख रहा है, इसमें है ये क्रॉस दिख रहा है, इसमें है, महीने में एक बार ग्रीसिंग निकाला जाता है। इसके बाद ये जनरेटर के पास में देखो ये दिख रहा है, ये क्रॉस दिख रहा है, इसमें भी ग्रीसिंग दिया जाता है। जनरेटर का है, जनरेटर का ऑयल कैसे चेंज करते हैं, इस नट को खोल के इसको निकाल दिया जाता है। जनरेटर का जब ऑयल चेंज करना होता है इस नट को खोल के यहाँ से निकाल दिया जाता है पूरा ऑयल, और इस लीवर को घेर के इस टापे को खोल के यहाँ से और यहाँ से इसके अंदर ऑयल डाल दिया जाता है, 3.5 लीटर ऑयल आता है। ये जनरेटर की सर्विस होती है, हर अगर आप 8 से 10 घंटे चलाते हैं तो 45 दिन पे इसका ऑयल सर्विस करना ही होता है। अगर 45 दिन पे ऑयल सर्विस नहीं करोगे तो इंजन सीज हो जाता है, ये सबसे ध्यान देने योग्य बातें हैं। कभी अगर जनरेटर एयर ले लेता है, मान लो डीजल ख़त्म हो गया, तो देखिए ये नट है पेचकस जैसा नट है, इस नट को ढीला करके यहाँ से इंजन को खाली घुमाइए डीजल डाल के, तो यहाँ से डीजल निकलेगा और उसके बाद में इसको बंद कर दो, तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लो कभी वाई दवा बंद हो जाता है जनरेटर, तो इसका ये तरीका होता है, एयर निकालने का तरीका होता है। ये ध्यान, छोटी छोटी जो बातें हैं ये ध्यान देने होगी बातें हैं। ये देखिए बहुत सारे मॉडल हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।